Hi, I am Shahid Hassan, Assistant Teacher, Harun Ansari School. एक बार फिर से आप लोगों का नूरी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने पेपर फॉर्मेट के बारे में बात की थी, आज हम उस पेपर के एक एक सेक्शन को तफसील से जो है समझेंगे। पहला सेक्शन होगा सेक्शन 1, लैंग्वेज स्टडी। इसमें आप लोगों से जो आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें हर सबक के बाद एक ग्रामर का हिस्सा दिया गया है जिसका नाम ही लैंग्वेज स्टडी है। ये सवालात आम तौर पर उसी से पूछे जाते हैं, जिसमें इस सेक्शन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1A जो होगा, डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, इसके अंदर जो है आप लोगों को 16 मार्क्स रखी गई है और इसमें कुल 8 सवालात आपसे किए जाएंगे। इन 8 सवालात में आपको हर सवाल की 2 मार्क्स दी जाएगी। पहला सवाल जो दिया गया है बहुत ही आसान होता है, पहला हिस्सा ही जो है इजी मेथड में रखा गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर A1 के पहले हिस्से में पहला क्वेश्चन जो होगा, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। इसमें आप लोगों को 4 अल्फाज दिए जाएंगे, 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें से एक लेटर जो है मिसिंग होगा, आपको इस मिसिंग लेटर को जो है सही तरीके से जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मैंने 4 जो है वर्ड्स लिखे हैं बोर्ड पर। पहला वर्ड है RI-HT, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर जी लगेगा जिससे वो वर्ड बन जाएगा राइट। इसी तरह GR-UP, इसमें एक वर्ड बनेगा, ओ ऐड करने पर ग्रुप हो जाएगा। SM-LL, इसमें आप ए ऐड करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा। और लास्ट जो है SMR ऐड करने पर स्मार्ट हो जाएगा। इस तरह हर वर्ड के सही तौर पर लिखने पर आपको हाफ मार्क्स दी जाएगी। कुल मिला के 4 अल्फाज हैं, इस तरह आपको 2 मार्क्स मिलेगी। दूसरा जो सवाल होगा बहुत ही आसान होगा, इसमें मैं समझता हूं कि सभी लड़के अच्छी तरह तमाम स्टूडेंट्स कर पाएंगे। कॉपी द सेंटेंसेस, दूसरा जो सवाल दिया हुआ है कॉपी द सेंटेंसेस, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना रहेगा, इसमें भी 4 जो है सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे हाफ ऑफ मार्क्स के लिए। और इसमें आपको तमाम जो है इनवर्टेड कॉमास, कॉमा, फुल स्टॉप, जो कुछ भी जरूरी जो है चीजें हैं एक सेंटेंस के हिसाब से एकदम हूबहू कॉपी करना है। बहुत ही आसान है, आसानी से मार्क्स गेन की जा सकती है। उसके बाद तीसरा जो है सवाल दिया गया है वो अरेंज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। आपको 4 अल्फाज दिए जाएंगे, 4 अल्फाज को आपको डिक्शनरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, उनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए होंगे। इसके अंदर भी आप लोगों को जो है मुमकिन है 4 अल्फाज दिए जाएं, 4 अल्फाज को जो है अकॉर्डिंगली जो है आपको जो डिक्शनरी के हिसाब से लगाना होगा। मैं एक एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं, जिस तरह मून, रूट, विलेज और बास्केट, ये सारे अल्फाज आपकी किताब से लिए जाएंगे। और इनको आपको जो है पहले ये देखना होगा कि पहला जो लेटर है ये जो है अकॉर्डिंगली किस तरह अल्फाबेटिकली आता है। तो ये बहुत आसान दिया हुआ है आपको समझ के लिए कि अल्फाबेटिकली ABCD अगर पढ़ते जाएं तो पहला जो वर्ड, जो पहला लेटर जो आएगा, यानी फर्स्ट कम्स, तो वो क्या होगा, बी होगा, बास्केट। बी से आगे बढ़ते हैं तो BCDEFGHIJKLM मून आएगा। थर्ड जो होगा मून के बाद जो है आर होगा, रूट, और लास्ट में जो है वी होगा। इस तरह आप अगर इन अल्फाज को जो है सही तौर पर सही क्रम में लगा देते हैं तो आपको ये जो है 1, 2, 3 और 4, इसको लिखना नहीं इस तरह बल्कि आपको अल्फाज को उनकी सही तरतीब में लिखना होता है।
अगर इस तरह आप लिख देते हैं तो आपको कुल मिलाकर 2 मार्क्स इसमें मिल जाती है। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा वो पंक्चुएट द फॉलोइंग होगा, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो लगाने होंगे। सवाल हो सकता है कि क्वेश्चंस के हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑर्डर हो, सिंपल सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इस तरह मुख्तलिफ तरह के जो है जुमले लिखे रहेंगे, 2 जुमले लिखे रहेंगे। आपको उन 2 जुमलों को मुनासिब जो है आपको पंक्चुएशन मार्क्स लिखना होंगे, जो कि आपकी किताब से अखज़ किए जाएंगे। अगर इस तरह आप पंक्चुएशन लगा देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस आप लिख देता हूँ, मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, जैसे मैंने कहा था कि व्हाट्स दैट सेड कमाल। इसमें आप देखिए कहीं पर फुल स्टॉप नहीं, कुछ नहीं है ना, मुख्तलिफ जो है पंक्चुएशन मार्क जो है वो आपको लगाना है। तो पहले हमको ये स्टार्ट लेनी होगी, W जो होता है, क्योंकि सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे कि यहाँ पर W है, और ये होगा, ये इज छुपा हुआ है, व्हाट इज, तो व्हाट्स कहा है, दैट वैसे ही रहेगा, और चूंकि सवाल किया है इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको जो है पंक्चुएशन मार्क के साथ जो है क्लोज कर देंगे सेंटेंस को इनवर्टेड कॉमास के अंदर, और आप आगे लिखेंगे सेड कमाल, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, इस तरह आप यहां पर के को कैपिटल करके सेड कमाल और फुल स्टॉप। अगर इस तरह आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे आप पूरा कर लेते हो तो आपको इस तरह जो है 2 मार्क्स मिल जाएगी। पांचवा जो हिस्सा होगा आपको दिया जाएगा, पांचवा सवाल, मेक 4 वर्ड्स, बहुत आसान है, मेक 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स बनाने होंगे आपको, और वो 4 वर्ड्स है मिनिमम 3 लेटर्स के होने चाहिए, 3 लेटर के, 3 लेटर आपको जो है उसमें, यानी 3 लेटर से कम ना हो, और आपको जो है यूजिंग गिवन वर्ड, आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड के जरिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक वर्ड दिया है स्पेक्यूलेटिंग, तो स्पेक्यूलेटिंग एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें से आपको 4 वर्ड जो है तलाश करके लिखना है। आप चाहे तो सीक्वेंस बदल सकते हैं, इसमें से मिनिमम 3 लेटर ले सकते हैं, 4 लेटर ले सकते हैं, 5 लेटर ले सकते हैं, लेकिन आपको 4 वर्ड बनाना है। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर जो है क्या हो सकता है, अगर आप देखें स्पेक्यूलेट एक वर्ड बनता है, आप अपनी तौर पर जो है नए नए वर्ड इसके अंदर जो है बना सकते हैं सिक्वेंस बदलकर। अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये होगा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर के ऊपर अगर आप बात करें तो इसमें 2 चीजें बहुत अहम होती है। आपको इसमें वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट देखना होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक दूसरे से एग्री करते हैं कि, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्पॉट द एरर, एक सेंटेंस आपको गलत दिया जाएगा, उस गलत सेंटेंस के साथ उस सेंटेंस में क्या गलत है उसको सही करके लिखना है। जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर हेड। अगर आप देखें सेंटेंस गौर से, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर हेड, इसमें जो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स दिया हुआ है ये कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगल यूज किया जाता है, और उसके लिए जो यहां पर पर्टिकुलर जो है हेल्पिंग वर्ब जिसको दिया गया, टू बी वर्ब दिया गया है, जो उसको एग्री नहीं करता है। यहां पर फ्लॉक ऑफ बर्ड क्योंकि सिंगल है, सिंगुलर के लिए वॉज होना चाहिए, जबकि यहां पर वर्ब दिया हुआ है, कंफ्यूजन के लिए। यहां पर बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं बर्ड्स की वजह से, और यहां पर वो समझते हैं कि गलती नहीं है। बहरहाल इस तरह आपको सब्जेक्ट देखना होगा, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके टेंसेस को गौर से देखना होगा कि उसमें गलतियां क्या है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो इस ग्रुप का 7वां क्वेश्चन है, उसमें एक वर्ब दी जाएगी और या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जाएगा या एक वर्ड दिया जाएगा जिसमें आपको एक उसके 4 रिलेटेड वर्ड आपको जोड़ने होंगे।
और उसकी एक एग्जाम्पल भी पेपर में दी जाएगी। जैसे कि यहां पर बीच में एक वर्ब दिया गया है स्पीक, और उसके साथ उसका एडवर्ब दिया हुआ है क्लियरली। अब इससे स्टूडेंट को गेस करना होगा कि बाकी चार जगहों पर चार वर्ड्स जो होंगे वो एडवर्ब्स होने चाहिए। अब इसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल स्पीक सॉफ्टली, ये आप बढ़ा सकते हैं। ये टोटल जो है आपके हिसाब से है, इसमें आपको कोई पर्टिकुलर कोई जवाब अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। स्पीक सॉफ्टली आप बोल सकते हैं, लाउडली जिस तरह यहां पे क्लियरली कहा गया, सॉफ्टली लाउडली है ना, रैशली हो सकता है ना, इस तरह आप स्वीटली भी बोल सकते हैं। ये तमाम अल्फाज आप अपने तौर पर जोड़ सकते हैं जो कि ग्रामेटिकली उसमें सही होना चाहिए। आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 8 इस सेक्शन का, इस पार्ट का। इसमें आपको एक वर्ड चेन दी जाएगी। वर्ड चेन जो होगी, वर्ड चेन में आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि पहला ये कि जो वर्ड दिया गया अगर वो नाउन है तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड जोड़ने होंगे, नाउन होने चाहिए। अगर वर्ब दिया है तो वो वर्ब होने चाहिए, एडवर्ब दिया है तो एडवर्ब होने चाहिए, एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं तो एडजेक्टिव्स होना चाहिए, है ना। और साथ ही जैसे आप सब जानते हैं अंताक्षरी जिसको जो है उस तर्ज पर इसको जो आगे बढ़ाना होता है, आखिरी जो इसका लेटर होता है उसी से आपको नया वर्ड बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां पर आपको दिया गया है प्रेयर। प्रेयर लिखकर आपको इस तरह चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार डैश किए जाएंगे, इसका जो आखिरी लेटर है आर है। प्रेयर क्योंकि नाउन है, अब नाउन से आर से क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। इसका जो आखिरी लेटर होगा टी होगा, टी से आप आगे बढ़े तो टाइगर हो सकता है, फिर आर आ गया, आर से आप जो है रो बोल सकते हैं, फिर आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू से वर्ल्ड हो सकता है, विंडो हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। उम्मीद है आपने इस सेक्शन से काफी जो है फायदा उठाया होगा, आपके समझ में आया होगा। आगे भी हम इसको जो है लेकर आएंगे अगले लेक्चर के अंदर, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप नूरी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको जो है देखते रहें और अपना आने वाले SSC एग्जाम के अंदर जो है बेहतरीन कारदगी करें।